अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम यासिर है, मेरे चैनल का नाम बर्ड्स केयर है। और सो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, क्योंकि मैं जितना मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मेरे पास कॉकटेल बर्ड्स रखे हुए हैं, तो उसका जितना एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सामने आप ये मटकी देख रहे हैं, इसके अंदर मेरा एक ब्रीडिंग पेयर है जो एक्स के ऊपर बैठा हुआ है। और बाकी ये आप नीचे फोकस करके दिखाता हूँ, यहाँ पे दो ग्रे के बेबी बैठे हुए हैं जो इसी पेयर की सिक्स ब्रीड थी। और सो दोस्तों, अभी मैं केज के अंदर जाऊँगा, बाकी की आपको इसको मटकी की प्रोग्रेस वगैरह दिखाता हूँ इनकी, मेरे पेयर की कि इन्होंने जो एग्स दिए हुए हैं, और अंदर से दिखाता हूँ। बाकी मैंने इनका दाना पानी पहले ही बाहर निकाल लिया है अंदर जाने के लिए, और ये गेट है, यहाँ से मैं अंदर जाऊँगा। और मैं एक मिनट अंदर खोल के अंदर जाता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैं अंदर आ गया हूँ। और ये देखें, आपको ये दो ग्रे के बेबी नज़र आ रहे हैं, मैं करीब से करके दिखाता हूँ। ये इसकी सिक्स ब्रीड थी, और इसके अंदर इसने तकरीबन चार एग्स दिए थे, और उसके अंदर से तीन बच्चे निकले थे, लेकिन एक डाय हो गया था। और ये दो बच्चे हैं जो कि बहुत हेल्थी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। और बाकी मैं आपको ये देखें, ये मटकी है जिसके अंदर इन्होंने एग्स दे दिए दोबारा। दोस्तों, कॉकटेल जो है बहुत तेज़ी से ये ब्रीडिंग करते हैं, पूरा साल करते हैं, गर्मी के मौसम में भी करते हैं ये बर्ड्स, इसलिए बहुत बेस्ट है। आप कॉकटेल रखिए, इनका शोर भी बहुत कम होता है। अभी इस कॉकटेल ने जो मेरे सिक्स ब्रीड दी थी, वो 18 जनवरी को इन्होंने मुझे एग्स देना शुरू किए, तो 7 फरवरी को इनके बच्चे निकलना शुरू हो गए थे। और तकरीबन इस हिसाब से ये 45 दिन के बच्चे बनते हैं, 45 दिन के बच्चे बनते हुए इन्होंने दोबारा जो है एग्स दे दिए हैं। इससे अंदाज़ा करें इनकी स्पीड का। और ये पूरा साल ब्रीडिंग करते हैं, एक साल तकरीबन मुझे 5 ब्रीड्स दी थी, और मैंने इनको 2 महीने का रेस्ट भी दिया था। और इस साल के स्टार्ट में एक ब्रीड मुझे मिल चुकी है, ये दूसरी ब्रीड है इनकी, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ इसके मटकी के अंदर। ये देखें, ये मटकी है। अब इसके अंदर ये एक मिनट मैं इसके ऊपर से हटाता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये देखें, ये ग्रे का मेल है और वो क्रीम की फीमेल है, और ये बहुत ही अच्छा मेरा पेयर है। ये इसकी 7वीं ब्रीड है। मैं अभी आपको इसके एग्स दिखाता हूँ। ये देखें, एग्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखें, 3 एग्स देख चुके हैं, और ये तकरीबन अभी देखें 1 एग और देते हैं या 2 एग और देते हैं। ये तकरीबन मुझे उम्मीद है 5 तक एग्स दे देंगे, और ये कभी 4 कभी 5 इतने एग्स देते हैं। और ये देखें, अब ये 2 इसके पहले बेबी हैं, ये मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। और ये जो है 2 इसके बेबीज़ हैं जो कि अभी ख़ुद से खाना शुरू नहीं हुए हुए, इनको ये फीड भी करवा रहा है, ये पेयर इनको फीड भी करवा रहा है, और इसने एग्स दे के उसके ऊपर बैठ भी रहे हैं। तो अभी मैं तकरीबन 1 वीक तक इनको बेबीज़ को अंदर रखूँगा ताकि जो है ख़ुद खाने लग पड़े, और बाद में जो है मैं इस पेयर को जो है ये पेयर जो है रहेगा। और बाकी जो है ये और भी मटकीज लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले कॉलोनी होती थी, 4 पेयर होते थे, लेकिन फिर बाद में जो है इनकी लड़ाइयाँ वगैरह चलती थी, तो फिर मैंने बाकी पेयर यहाँ से शिफ्ट कर दिए, और अब सिर्फ 1 पेयर है इसके अंदर जो ग्रे का मेल है और क्रीम की फीमेल है। और बाकी जो है इनके ये 2 बेबीज़ हैं, करीब से दिखाता हूँ। ये बहुत ही अच्छे हेल्थी बेबीज़ हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे हैं, साइज़ के हिसाब से भी, और दूसरा ये सेहत के हिसाब से भी। इनके आप ताज देखें, ये एक्टिव बहुत हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ये इनकी ब्रीड आती है मेरे पास। और ये तकरीबन ये पेयर जो है मेरा बहुत बेस्ट पेयर है मेरा, और ये 7वीं ब्रीड होगी मेरे पास। फ्रेंड्स, मेरा मशवरा आप लोगों को, आप अपने घर में कॉकटेल बर्ड्स मत रखें, क्योंकि कॉकटेल बर्ड्स जो है इनकी स्पीड बहुत है एग्स के अंडे बच्चों की। 1 साल में तकरीबन ये 5 से 6 ब्रीड आप इनसे ले सकते हैं,
और सो दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और ताकि जो है मैं अपना मज़ीद एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं और आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना सकूं। तो सो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।